बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर खड़े हो करके अपना औजार निकाल करके मूत रहे हैं, वो किस पर मूत रहे हैं जिन्होंने उनको बांग्लादेश दिया? और बावजूद इसके कि वहां बांग्लादेश में मईशत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अच्छी थी। नाज़रीन किराम, बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश में शेख मुजीब की बेटी हसीना वाजिद ने बहुत उनका क्रेडिट था कि उन्होंने टर्न अराउंड बांग्लादेश को कर दिया था, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे डाला। दूसरा, इस वक्त एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो है वो बड़े सर चढ़ के बोल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। भारत का बहुत बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और सबसे बड़ा इसमें जो पार्टी है वो एस एन इंडिया। ये जिहादी आज जो शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर अपना औजार निकाल करके मूत रहे हैं, 4 महीने के बाद ये पाकिस्तान के हुड़दंगों की तरह कलपते हुए और रोते हुए नजर आएंगे, और आटे और चावल के लिए रो रहे होंगे जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर जो इनकलाब आया है उसने कुछ जाने भी ली है। कल 25 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये वो लोग थे जो हसीना वाजिद की पार्टी के एक मेंबर है उसके रेस्टोरेंट में काम करते थे। देखिए, ये सारी जो ड्राइविंग फोर्स थी इसके पीछे तो जमात इस्लामी आप कह लें या बीएनपी के लोग थे। अच्छा, इंडियन आर्मी ने आज अपनी फोर्सेस जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे मूव कर दी है। उनका ख्याल है कि यहाँ से काफी लोग जो अंदर आ सकते हैं, बकौल उनके इंसर्जेंट्स आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय बांग्लादेश के अंदर स्थिति काफ़ी ख़राब है, जिसके ऊपर न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, चर्चे हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश से जो पिक्चर निकल के आ रही है, जो तस्वीरें निकल के आ रही है, वो न सिर्फ दुखदाई है बल्कि काफ़ी हैरानजनक भी है। दुखदाई इसलिए है क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शनकारियों ने लूट खसोट मचाई है और उसके बाद उनका जो टारगेट और निशाना बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर जो पड़ा है वो भारत के लिए भी काफ़ी चिंताजनक है। लेकिन इसी के साथ साथ इन बांग्लादेश प्रदर्शनकारियों की हद यह है कि इन्होंने उस बंदे को भी नहीं छोड़ा जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, जिसने बांग्लादेश को बनाया, यानी शेख मुजीबुर रहमान की। यहाँ उसके स्टैचू के साथ जो हालत और जो कांड किए हैं खुद प्रदर्शन कर रहे बंगालियों ने ही, वो काफ़ी हैरानी भरी है, जिसको देखने के बाद तो कई खुद पाकिस्तानी भी यह मानने लगे हैं या कह रहे हैं कि बांग्लादेश भी शायद पाकिस्तान की राह पे चल निकला है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तानी सोच की जो वृद्धि हुई है उससे बांग्लादेश जो अभी तक तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था उसका डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान से कटा, बांग्लादेश 1971 में बना और पाकिस्तान से कहीं करोड़ गुना ज्यादा डेवलप और इम्प्रूव और शिक्षित बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश में बहुत ज्यादा शिक्षा पर फोकस शेख मुजीबुर रहमान जो बंगा बंधु थे उन्होंने भी करवाया था, और जब शेख हसीना 15 साल से चेयर पर बैठी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश तो उन्होंने भी ढाका बांग्लादेश को बहुत ज्यादा शिक्षित करवाया था। आज जो जिहादी शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर खड़े हो करके अपना औजार निकाल करके मूत रहे हैं, वो किस पर मूत रहे हैं जिन्होंने उनको बांग्लादेश दिया, जिन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे डाला, जिन्होंने ढाका और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से निकाल करके बांग्लादेशी बंगालियों को बांग्लादेश बना करके दिया। शेख मुजीबुर रहमान ने कई परिश्रम किए, पूरा खानदान वो खो बैठे, सिर्फ शेख हसीना और उनकी बहन बच गई थी क्योंकि उस वक्त वो लोग जर्मनी घूमने के लिए गई हुई थी, इसलिए उन दोनों की जान बच गई। और फिर शेख हसीना बांग्लादेश के कमान को और बांग्लादेश की सरकार को अपने हाथ में लिया और उन्होंने भारत से बहुत खूबसूरत और मधुर रिलेशन बना करके बांग्लादेश को बहुत ज्यादा डेवलप किया। कि शेख हसीना के नेतृत्व में 1050 करोड़ डेली इकोनॉमिकल सिस्टम पर काम होता था। ये जिहादी आज जो शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर अपना औजार निकाल करके मूत रहे हैं, 4 महीने के बाद ये पाकिस्तान के हुड़दंगों की तरह कलपते हुए और रोते हुए नजर आएंगे। इनको एहसास होगा कि जो जमायत इस्लामी जो पाकिस्तान के नेतृत्व में बना था टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन, उनके इशारे पर
उन्होंने शेख हसीना को तो भगा दिया, लेकिन 4 महीने के बाद उनको ये एहसास होगा कि पाकिस्तान की अवाम की तरह बांग्लादेश के अवाम के हाथ में भी भीख का कटोरा होगा और आटे और चावल के लिए रो रहे होंगे, जो पाकिस्तान में अभी हो रहा है। जब तक पाकिस्तान में 23.7% के मोर और लेस माइनॉरिटीज थे, तब तक पाकिस्तान के लोग हिंदुओं को मारते थे, यहूदियों को मारते थे, सिखों को मारते थे, और जैसे ही उनकी पॉपुलेशन 1.8% पर आ गई पाकिस्तान में, अब वो अफगानिस्तानियों को मारते हैं, अब वो वहाबियों को मारते हैं, अब वो शिया को मारते हैं, और उनके धन दौलत को और बेटियों की इज्जत और आबरू को लूट करके उनको वहां से निकलवा देते हैं। तो सेम सिनेरियो 4 महीने के बाद से ही हम बांग्लादेश में देखेंगे। इंटरेस्टिंग बातें इस वक्त बांग्लादेश के हवाले से चल रही है, जो दो तीन, एक तो मैं सबसे पहले हैरान था कि 19,000 भारतीय इंडियंस दे आर लिविंग इन बांग्लादेश, 9,000 जिसमें से स्टूडेंट है। फिर उसके बाद हिस्ट्री ने जिस तरीके से, मैं समझता हूं अपने आप को रिपीट किया है, कि मुजीबुर रहमान साहब भी अगरथला पे मिलते थे इंदिरा गांधी से, आज उनकी बेटी भी उसी टाउन के अंदर लैंड किया। इमेजिन करें कि हम सर्कल किस तरह लगा रहे हैं, एक ही दायरे के अंदर हम घूम रहे हैं, इससे आगे नहीं निकल पा रहे। उसके बाद मुजीबुर रहमान साहब, आज खालदा जिया को रिहा कर दिया गया, और यहां पे एक और सिनेरियो भी निकल चुका है कि खालदा जिया साहब का लड़का जो है, उनका सन, वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से मिलता रहा। मेरे ख्याल में अफवाह है, या जिस तरह अभी तक इसको सर्टिफाई नहीं किया गया। दूसरा, इस वक्त एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स जो है वो बड़े सर चढ़ के बोल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, अब वो कहां जाके रुकेंगे। हसीना वाजिद इज नॉट लिविंग इंडिया, ये एक बहुत बड़ा ये भी सवाल है। लेकिन उनका बाहर ना जाना, सबसे बड़ी बात तो ये है, यूएस वीजा उनका खत्म होना, उसके बाद उनको यूके अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा, फिनलैंड था, कल ये भी एक बात आई है कि शायद वो दुबई चली जाए। जो आर्मी चीफ हैं, जो हु गेव अप 45 मिनट्स, वो उनका रिलेटिव था, इज ब्लड रिलेटेड टू द हसीना वाजिद। लेकिन इस वक्त कल सबसे बड़ी कई मिलिट्री के अंदर चेंजेस की गई हैं कल बांग्लादेश में, उससे जाके ये खदशा खत्म होता है कि उसमें ये नजर आ रहा है कि हसीना वाजिद, पहले तो वो भारत में उनका बैठने का ये भी सिनेरियो देखा जा रहा था कि शायद उनको वापस लाया जाए शॉर्ट पीरियड में, जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए, लेकिन जो कल आर्मी के अंदर चेंजेस की गई हैं उससे वो उसका ये इम्कान जो है वो रद्द होता है। और इसमें जो देखा जाए रीजन, बिल्कुल भारत का बहुत बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, और सबसे बड़ा इसमें जो पार्टी है वो एस एन इंडिया। इंडिया को अगर देखा जाए, कल कई एनालिस्ट इस पे बात कर रहे थे कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट स्टार्टेड फ्रॉम मालदीव, चाइना का पैसा भी है वहां, करप्शन भी बहुत है इन सारे मुल्कों में जहां जिनकी मैं बात करने लगा हूं, मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है, यहां इन सब की चीज कॉमन क्या है, इन सब की चीज कॉमन ही है कि करप्शन है, गुर्बत है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रॉपरली नहीं है, उसमें फॉरेन कंट्रीज जो है वो पैसा लगा लेते हैं।